हालेलुया। सबोक देशक की पुस्तक 2:26 में लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। मेरे प्यारो, आज एक सवाल बना हुआ है कि हम परमेश्वर की नजर में, याद रखिए, हम परमेश्वर की नजर में, हम परमेश्वर की दृष्टि में हम कैसे हैं। हो सकता है मैं अच्छा कपड़ा पहन के, आपकी नजर में हो सकता है मैं अच्छा हूं, लेकिन मैं पति कैसा हूं ये मेरी पत्नी को पता है, आपको नहीं पता। मैं बाप कैसा हूं ये मेरे बच्चों को पता है, आपको नहीं पता। और मैं पास्टर कैसा हूं ये आपको पता है, बाहर वालों को नहीं पता। और मैं पड़ोसी कैसा हूं ये मेरे पड़ोसियों को पता है, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। हालेलुया। आज मेरे प्यारो, हम सच्चाई को सीखेंगे। बाजोले को, आज हम सच्चाई को सीखेंगे। हालेलुया। तो बाइबल कहती है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, किसकी दृष्टि में? हाँ, हो सकता है मेरे प्यारो मैं आपकी नजर में अच्छा बन के दिखाया है ना, हो सकता है मैं मेरे बीवी बच्चों की नजर में मैं अच्छा बन के दिखा दिया, हो सकता है मैं मेरे अड़ोस पड़ोस में भी मैंने अच्छा बन के दिखा दिया, लेकिन जब तक मैं परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं हूं, मैं एक्चुअली अच्छा नहीं हूं। जब तक मैं परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, चाहे मैं आपकी नजर में कितना भी अच्छा हूं, मेरे बीबी बच्चों की नजर में मैं कितना भी अच्छा क्यों ना हूं, या जहां कहीं काम करते हैं वहां बॉस की नजर में मैं कितना भी अच्छा क्यों ना हूं, जब तक मैं परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं हूं, मेरा मानना है कि मैं अच्छा नहीं हूं। हालेलुया। और परमेश्वर की नजर में अच्छा बनने के लिए एक ही चीज करना पड़ता है, हमेशा सच्चा रहना चाहिए। जितना हम परमेश्वर की नजर में सच्चे रहते हैं, उतना उसकी नजर में हम अच्छे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जो मैंने मेरे जीवन में परमेश्वर के आत्मा से सीखा है कि मैं प्रभु की नजर में मैं कैसा हूं, हो सकता है मेरे बीबी की आंख में मैं धूल झोंक सकता हूं, मेरे बच्चों की आंख में धूल झोंक सकता हूं, एक पास्टर होने के नाते मैं तुम्हारी भी आंख में धूल झोंक सकता हूं, और मेरे कंपनी के बॉस के भी आंख में धूल झोंक सकता हूं, लेकिन वो जिसने मुझे आंखें दी, वो रात दिन मेरे मन को, मेरे दिल को, मेरे हर एक चाल चलन को वो टटोलता है, वो देखता है। जिसने मुझे आंख दी, मैं उसकी आंख में धूल नहीं झोंक सकता, आपकी आंख में धूल झोंक सकता, मेरे बीबी बच्चों की आंख में मैं धूल झोंक सकता हूं, मेरे पड़ोसी की आंख में भी धूल झोंक सकता हूं, लेकिन उसकी आंख में मैं धूल कैसे झोंकू जिसने मुझे आंखें दी और जिसकी आंखें रात दिन मुझे देख रही है। कई लोग कहीं कहीं जाते हैं, खास करके वो लोग, आपके बारे में नहीं, जो लोग थोड़े गलत करने वाले लोग रहते हैं, कुछ भी पड़ा उठा लिया, चुप से रख लिया पर्स में, तो ऐसी जगह जो लोग जाते हैं जहां पे बहुत कैमरा लगा चारों बाजू से, बहुत डर डर के रहते हैं ना, अगर मैं यहां से चप्पल चुराया तो कैमरे में आ जाएगा, किसी का मोबाइल उठाया तो कैमरे में आ जाएगा। हालेलुया। आपके बारे में नहीं है, बाजोले को बोलो आपके बारे में नहीं है, वो जिन लोगों के बारे में बोल रहे है, बोलो ना, जिनके बारे में बोल रहे है, वो लोग इधर है ही नहीं। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है मेरे प्यारो, हम कोई चीज आपसे कहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप ही ऐसे हैं। हालेलुया।
बहुत साल पहले मैं आपको, तभी तो कलीसिया बहुत छोटी थी और हम कुछ भी, हर संडे में आपको सच बोलता हूँ, हर संडे में बहुत ये होता था, कुछ भी प्रचार करता था ना तो ऐसे कुछ एक दो लोग थे उनको ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर बोला। तो मैं हर संडे सोचता मम्मी क्या बोलू क्या ना बोलू। परमेश्वर ने कहा तू सच्चाई को बोलते जा, तू सच्चाई को बोलते जा, जो अपने आत्मा में सच्चे होंगे वो तेरी सच्चाई की बात को स्वीकार करेंगे, और जो झूठे होते हैं वो कभी सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। और कलीसिया में मेरे प्यारो शारीरिक और आत्मिक दो प्रकार के लोग होते हैं। जो आत्मिक लोग होते हैं ना वो हमेशा अच्छी बात को, सही बात को, ईमानदारी की बात को जो आत्मिक लोग होते हैं वो स्वीकार करते हैं। लेकिन जो शारीरिक लोग होते हैं ना वो कभी भी सच्चाई उन्हें कभी स्वीकार नहीं होगी। जो एसाव था, एसाव उसको अधिकार पसंद नहीं था, उसको तो दाल पसंद थी। आएंगे उसके ऊपर, तो आज हम सच्चाई को सीखेंगे। तो लिखा है जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। मैं कहता हूं ये वचन है ना मेरे दिल को इतना इतना बात करता है और हमेशा मेरे मन में रहता है, प्रभु यीशु मैं आपकी नजर में वाकई में अच्छा हूं, मुझे और अच्छा बनना है, मैं बनूंगा, लेकिन मैं प्रभु तेरा दिल नहीं दुखाऊंगा। हालेलुया। आज इस दुनिया में क्या हो रहा है पता है, बहुत सारे पति लोग पत्नी की नजर में अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, पत्नियां पति की नजर में, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की नजर में, ये संसार में ऐसा चल रहा है जिसको आप ढोंगी पाखंडी बना दिखावा नाम आप दे सकते हैं। आज इस दुनिया में ना अच्छे बनने का लोग है ना ढोंग करते हैं, अच्छा बनने का है ना। मैं जिधर काम करता था वहां पे एक आदमी था, वो बॉस की नजर में, सबकी नजर में इतना अच्छा, लेकिन आपको बता दूं कंपनी का सबसे बड़ा चोर वही था। जब वो मेरी नजर में आया मैंने बॉस को बोला, बॉस बोलता ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा नाम शिवपाल था, वो बहुत जूना वर्कर है, बॉस को उस पर इतना भरोसा था, सारे जितने काम करते थे स्टाफ लोग उनको भी उस पर भरोसा था, लेकिन जब उसकी चोरी जब मेरी नजर में आई मैंने कहा देखो ऐसा है, बॉस ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कभी करेगा ही नहीं। मैंने कहा बॉस मेरा काम था आपको बोलना, मैंने आपको बोल दिया, आगे आपकी मर्जी। अब उस वो बात है ना बॉस को बहुत हिला रही थी, क्यों पता है, क्योंकि बॉस को बताने वाला वो एक ऐसा व्यक्ति, मतलब मैं पूरी कंपनी में, मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, पूरी कंपनी में प्रभु गवाह है मेरे जैसा ईमानदारी से जीने वाला, काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, नीचे से लेकर ऊपर तक, सीओ तक। अब मैं आपको इससे ज्यादा क्या बताऊं, और 99% सब मसीह लोग। वो बॉस को लगा कि नहीं शिवपाल ने बोला है कुछ तो है, क्योंकि वो मुझे भी जानते थे कि पूरी कंपनी में यही एक आदमी है हर गलत बुरी बात में हाथ ऊपर उठा लेता, मैं नहीं करूंगा। परेशान हो गए थे। एक बार तो किसी ने कहा तुम कैसे आदमी कंपनी में भर्ती कर लिया है, झूठ बोलना बोलता नहीं बोलूंगा, और कुछ गलत करना बोलता मैं नहीं करूंगा। परेशान हो गए थे मेरे से। तो जब मैंने मेरे बॉस से कहा ऐसा है, बॉस बहुत सोचा, नहीं शिवपाल ने बोला है कुछ तो होगा। अब कुछ समय के बाद उसकी चोरी वापस पकड़ी गई, उसको जॉब से निकाल दिया गया और वापस फिर से नहीं लिया गया। मैं कहना क्या चाहता हूं मेरे प्यारों, आपको बताना क्या चाहता हूं, हम में से बहुत सारे लोग आप
चाहे घर काम करते होंगे, चाहे गारमेंट्स में काम करते होंगे, चाहे कंपनी में काम करते होंगे, चाहे फैक्ट्री में काम करते होंगे, आप जिस चाली में सोसाइटी में रहते होंगे, है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपनों की आंख में, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने ही माँ बाप की आंख में धूल झोंकते हैं, बहुत सारे ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नियों को अंधेरे में रखा है, बेचारी मालूम ही नहीं मेरा पति बाहर क्या करके आ रहा है, और वो उसकी सेवा किए जा रही है, हाथ पैर दबाए जा रही है। काश वो बात का पता चल जाए कि मेरा आदमी बाहर क्या कर रहा है, तो हाथ पैर छोड़ के गला ही दबाएगी, कहेगी सब दबाई यही रह गया तुम्हारा। ये सच्चाई में कह रहा हूं, आज बहुत सारे पति लोग अपनी भोली भाली सीधी साधी पत्नियों की आंख में धूल झोंकते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने मां बाप की आंख में धूल झोंकते हैं, बहुत सारे इंप्लॉय लोग अपने बॉस और मैडम की आंख में धूल झोंकते हैं। आप मुझे पसंद करें ना करें, पर मैं तुम्हारी आंख में मैं धूल नहीं झोंकना चाहता। जो करता हूं, जो मैं जीता हूं, वही कहूंगा और कहता रहूं। मेरी जिंदगी कुछ और आपको सिखाना कुछ और, ये तो कभी मुझसे होगा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम जो कहते हैं हम वो करते हैं, हालेलुया। और कभी हम चुक गए, हमसे गलती हो गई, हम कहते परमेश्वर मुझे माफ कर, दोबारा ये चीज नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर की नजर में आज लोग अच्छे नहीं हैं, सोसाइटी समाज की नजर में लोग अच्छे बन के बैठे हैं, अपने बीबी बच्चों की नजर में अच्छे बन के बैठे हैं, अपने काम की जगह में अच्छे बन के बैठे हैं, जहां पे भी लोगों के बीच में उठना बैठना, आज बहुत सारे लोग ऐसे ना सिर्फ एक अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अरे अगर सच्चा रहना है तो सच्चाई से सच्चा रहो, और अच्छा रहना है तो अच्छाई से अच्छा रहो। परमेश्वर की नजर में हम क्यों हम गलत ठहरे? सबसे छुपा सकते उसे तो नहीं छुपा सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर आज ऐसे, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी नजर में अच्छा बनने की कोशिश करे। बस हो गया, बहुत हो गया, हम सब की नजरों में अच्छा बनते 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 उसकी नजर में बुरे बन गए। हालेलुया। और एक चीज कहूंगा, किसी के अच्छा कहने से मैं अच्छा नहीं हूं, ये मेरी सोच। किसी के अच्छा कहने से मैं अच्छा नहीं हूं, किसी के बुरा कहने से मैं बुरा भी नहीं हूं। मैं जो हूं मैं सो हूं, मेरा खुदा मुझे जानता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं बहुत काला हूं और आप सबने कहा पास्टर क्या आप दिखते हैं, आप तो शाहरुख से भी आगे, क्या आपके बोलने से मैं गोरा हो गया? और अगर मैं गोरा हूं, आपने कहा आप बहुत काले हो, बहुत काले हो, आपके बोलने से मैं काला हो जाऊंगा? बाजोले को बोलो, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। मैं जो हूं सो हूं, इसका मतलब नहीं हम खुदा बन रहे, हम जो हैं सो हैं। प्रभु हमें देख रहा है, प्रभु हमें जान रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, एक ईमानदार व्यक्ति बनो, जीवन में सच्चा व्यक्ति बनो, अपने बच्चों की नज़र में, अपने बीवी की नज़र में, अपने बॉस मैडम की नज़र में, एक दूसरे की नज़र में, जहां उठते बैठते हो उनके बीच में, हमेशा अच्छा व्यक्ति, उनको उनके लिए मत बनो, परमेश्वर के नज़र में बनो। और आपको बता दें, इस दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति यीशु मसीह था, लेकिन क्या सबने उसे अच्छा बोला? तो एक चीज मेरी बात याद रखना, आप जितना अच्छा और सच्चा बनेंगे परमेश्वर की नजर में, तो कभी ये उम्मीद मत करना कि तारीफों की माला आपको पहनाई जाएगी। उल्टा तुम्हारे गले में जो माला है,
चाहे सोने की, चाहे चैन की, चाहे फूलों की, वो भी लोग तोड़ लेंगे। ये सच्चाई है। यीशु मसीह दुनिया में सबसे सच्चा, सबसे अच्छा था, पर क्या बोला गया? हौरा है। क्या बोला गया? इसके अंदर शैतान है। क्या बोला गया? ये पापियों का मित्र है। कितने सारे इल्जाम लोगों ने लगाए, लेकिन यीशु का कहना एक ही था हमेशा, हे पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते, ये मेरी बुराई करते, इन्हें करने दे, लेकिन मेरे पिता मैं इनके साथ भलाई करूंगा, ये मुझसे जलते हैं इन्हें जलने दे, पर इनको मैं मेरी मोहब्बत दिखाऊंगा। हालेलुया। एक हमने दोहा पढ़ा था, जो तोके कांटा बोवे तो ही बोवे तो फूल, तोके फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। जो तुम्हारी जिंदगी में कांटा बोता है, तुम उसकी जिंदगी में फूल बो दो। उसने जो कांटा बोया उसकी जिंदगी में कांटे उगेंगे, तुमने जो फूल बोया दूसरों की जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में फूल उगेंगे। और ये बाइबल का है, जो तू बोएगा वो तू काटेगा। हम असल में दूसरों के बारे में जो बोलते हैं वो एक बोने के जैसा है। हम दूसरों के साथ जो रवैया पेश आते हैं वो भी एक तरह का हमने बोया है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम प्रभु के राज में जो भेंट अर्पण दिया तो वो बोया है, नहीं, जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, वो सोच हमने बोई है और वो हमें काटने को मिलेगी। जो हमने दूसरों के साथ बर्ताव किया है, दुख दिया है, चोट पहुंचाया है, वो भी हमने बोया है, कहीं ना कहीं से वो उगेगा। हालेलुया। तो हमारा दूसरों के बारे में बोलना, हमारा दूसरों के बारे में सोचना, और हमारा दूसरों के साथ किसी तरह का जो कुछ भी करते हैं, वो हम बोने के जैसा है। सिर्फ पैसा ही प्रभु के भंडार में दिया तो उसे ही बोना कहते हैं, मेरे प्यारों ऐसा नहीं है। अगर मैं आप लोग के बारे में गलत सोचूं तो मैं गलत बो रहा हूं। अगर आपके साथ मैं गलत तरीके से बात करूं तो मैं आपके जीवन में गलत बो रहा हूं। आप नहीं काटेंगे, वो मैं काटूंगा। और अगर आपके साथ मैं बुरा व्यवहार करता हूं तो मैंने बोया है, कहीं ना कहीं से मुझे काटना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपके बारे में अच्छा सोचता हूं, अच्छा बोलता हूं और आपके साथ अच्छा बर्ताव करता हूं, तो मुझे तो वही मिलेगा जो मैंने बोया है। तो आपको जो काटना पसंद है, बोना वही पसंद करो। हालेलुया। जो आपको काटना पसंद है वही आप बोना पसंद कीजिएगा, ताकि आप वही काटोगे जो आपको पसंद है। हालेलुया। सो परमेश्वर की नजर में, क्या बाजू वाले को बोल सकते हो, परमेश्वर की नजर में हम अच्छा बनेंगे। हेलो। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि कौन मेरी नजर में अच्छा बनेगा। कई ऐसे लोग खुदा को मिलते हैं, खुदा कहता है बेटा सबकी नजर में अच्छा बन के बैठा है, लेकिन मेरी नजर में तू धोखेबाज है। क्यों? क्योंकि मैं कब क्या सोचता हूं उसको मालूम है, मैं कब क्या देखता हूं उसको मालूम है, मैं कब क्या करता हूं उसको मालूम है। कई बार बहुत सारी बातें हमारे अपनों को भी नहीं पता होती है, हमारे दोस्त सहेली को भी नहीं पता, हमारे बॉस को भी नहीं पता, हमारे पास्टर को भी नहीं पता रहता, हमारे माँ बाप को भी नहीं पता रहता। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में ऐसी जिंदगी जीते हैं, ऐसा करते हैं कि उनकी भोली भाली पत्नी को नहीं पता। सारी औरतें भोली भाली नहीं होती है, आदमी भी भोले भाले होते हैं। फिर से कहूँगा, आप लोग अच्छे लोग हैं, आपके बारे में नहीं बोल रहा। हालेलुया। तो ये जो है एक क्या बोलते, एक नशा छा गया है लोगों को, लोगों की नजरों में अच्छा बनने का। परमेश्वर की नजर में जब आप अच्छे बनेंगे, मैं आपसे सच कहता हूं, जैसा यीशु के साथ हुआ ना, वैसा आपके साथ मेरे साथ भी होगा। जितना अच्छा बनेंगे उतना लोग आपको अच्छा बोलेंगे ही नहीं, आपके ऊपर इतने पत्थर गिरेंगे, लोग आपकी गलतियां निकालेंगे, कुछ ही बोलेंगे, हौरा है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, है एक्चुअली बोलने वाले के अंदर।
लेकिन बोल रहा है क्या, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। ये तो ऐसा हो गया, मैं खुद हावरा हूं और क्या बोल रहा हूं, ये सब ना हावरे लोग बैठे, एक्चुअली हूं मैं, लेकिन बिल के हाथ फाड़ रहा हूं आपके ऊपर। तो जो लोग यीशु को कहते थे ना हावरा है, एक्चुअली वो लोग हावरे थे। अंधे को क्या लगता है मालूम है, सब लोग दुनिया में अंधे ही है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के जैसा अगर आप अच्छा बनोगे तो आप कभी उम्मीद मत करना कि आपको सब लोग अच्छा बोलेंगे, नहीं है। यह हमारे साथ भी होता है। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु जितना सुधरता हूं, जितना बदलता हूं, जितना अच्छा बनता हूं आपकी नजर में, पर इस जमाने में उतना मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिलता। तो और एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, आप किससे बढ़ाई पाना चाहते हो, किससे आप तारीफ सुनना चाहते हो आपकी, खुदा से। अगर वहां से इज्जत मिले तो इज्जत है, वहां से तारीफ मिले तो काबिले तारीफ है। हालेलुया, हालेलुया। वरना इस दुनिया के लोग जो ऐसे हैं ना, कब इज्जत देंगे, कब आप आपकी इज्जत का भाजीपाला कर देंगे पता नहीं। इसलिए मेरे प्यारो, अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति, अपना लाइफ का एक स्टैंडर्ड बनाओ। काम पे रहो, घर में रहो, पड़ोस में रहो, बस में रहो, ट्रेन में रहो, भाजी मार्केट में जाओ, रिक्शे में जाओ, टैक्सी में जाओ, दोस्तों के बीच में जाओ, सहेली के बीच, किधर भी रहो, आपका अपना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है और मैं उसकी नजर में अच्छा बने रहना चाहता हूं। दानियल जो था, उसने अपने आप को राजा की नजर में नहीं, उसके दोस्तों की नजर में नहीं, राजा की प्रजा की नजर में नहीं, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर की नजर में अच्छा रखा। हालेलुया। आज प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि जो मेरी नजर में अच्छा बने। जब आप प्रभु की नजर में अच्छा बनेंगे, आपको सब लोग अच्छा नहीं बोलेंगे, और आप उसे डिस्करेज नहीं होना, निराश नहीं होना। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु की नजर में अगर आप अच्छे बनेंगे, आपको परमेश्वर बुद्धि देगा। अब आप बोलेंगे पास्टर मतलब अभी तक हम लोग को बुद्धि नहीं मिली, फिर अंदर क्या है? बुद्धि है, ये संसारिक बुद्धि है। जब हम उसकी नजर में अच्छा बनते ना, परमेश्वर की जो अलौकिक अलौकिक वो बुद्धि, वो हमारी बुद्धि में डाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम पहला कैटरस में काम करते थे और वहां पे जो लोग आते थे तो बावड़ी का पानी भर भर के ड्रम में भर देते थे, इतना बास आता था। मैं बोला अरे ये पानी लोगों को पिलाते हैं, कैटरस में नया नया लगा था, मुझे पता नहीं, वेटर का काम था। मैं लड़के लोग को बोल रहा हूं अरे पानी बास आ रहा है, ये सबको पिलाएंगे? हाँ वो अभी यही पिलाते। मैं बोला ऐसा कोई नहीं पिएगा। बोलते अभी देखो, बोला गया जाओ रोज वाटर लेकर आओ, रोज वाटर। हम लोग रोज वाटर क्या है भाई, रोज तो यही पीते, ये वाटर है, रोज वाटर, रोज वाटर लेकर आओ। हम लेकर आए चार छह बोतल, बोले सब खोल के ड्रम में डाल दो। हम लोग डाल दिए, बोले हिला दो इसको, हिला दिया। बोलते अभी सूंगो? हम लोग सूंग रहे, बासी नहीं आ रहा है। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर आपके भी ड्रम का पानी बास मारता ना, एक बोतल रोज वाटर डाल के हिला दो, बाद में सूंगो, मैं आपको सच बोल रहा हूं। मैं बोला कमाल का है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, हमारी बुद्धि जैसी भी है अभी दुनिया में आ गए तो, लेकिन अगर हम परमेश्वर की नजर में अच्छा बनेंगे ना, वो हमें उसकी अलौकिक बुद्धि हमारी बुद्धि में मिला देगा और हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण हो जाएगा, हमारी बुद्धि सही रीति से काम करेगी। हालेलुया। और परमेश्वर हमें ज्ञान देगा। तो क्या हम लोग मूर्ख लोग, हमको ज्ञान नहीं कुछ भी नहीं? परमेश्वर उसके रहस्य को प्रकट करेगा,
कुछ ऐसी बातें जो आपने कभी सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, देखी नहीं और आपने कभी जानी नहीं, ऐसी ज्ञान की बातें प्रभु आप पे प्रकट करेगा। और जब लोग सुनेंगे कहेंगे अरे जब यीशु मसीह 12 साल की उम्र में ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें करते थे और सदुकी फरूसी जिन्होंने व्यवस्था का पूरा कंठन किया था, उनको सब मालूम था कहां क्या लिखा है, इतने उम्र वाले तजुर्बे वाले जिन्होंने मूसा से लेकर उत्पत्ति से लेकर सारी व्यवस्था पढ़ी थी, वो कहते ये 12 साल के लड़के को ये ज्ञान की बातें कहां से आई। क्यों? यीशु मसीह पिता की नजर में अच्छा था और उसको परमेश्वर ने ऐसा बुद्धि ऐसा ज्ञान दिया था जिससे सब लोग हैरान होते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो प्रभु आपको अलग ही बुद्धि अलग ज्ञान देगा और आनंद, वो आनंद नहीं जो कटिंग चाय पीने से आता है, वो आनंद नहीं जो ओड़ा पाव खाने से आता है, पिज्जा बर्गर खाने से आता है, वो आनंद नहीं जो बिरयानी खाने से आता है, आपकी पसंदीदा चीज खाने से जो आपको आनंद आता है, वो आनंद नहीं। परमेश्वर आपको एक ऐसा आनंद देगा कि आप जिंदगी के कितने भी दुख के सागर में आप पड़े रहेंगे तो भी आप आनंदित रहेंगे। इस लॉकडाउन में हम तो मुस्कुरा के जिए, इस लॉकडाउन में हम तो मुस्कुरा के जिए। हालेलुया। कई लोगों ने प्रार्थना ही लॉकडाउन में प्रार्थना ही नहीं चलाई, उन्होंने जैसे मैंने कहा ना प्रार्थना ही बंद कर दिए। पर मेरे प्यारो और एक चीज इस लॉकडाउन में हुई है, बहुत सारे वो प्रभु के सेवक लोग बेचारे प्रार्थना करके उपवास करके वचनों को रात दिन तैयार करके, है ना, पूरे भारत की बात बता रहा हूँ, और वो लाइव पे आके बेचारे प्रचार करते थे। पर बहुत सारे कलीसियाओं में जितने भी लोग थे, कहीं 500 लोग थे तो खाली 100 लोग लाइव पे देखते थे, जहाँ पे 200 थे तो 20-30 लोग देखते थे, जहाँ पे 50 थे तो 5 लोग देखते थे। ये पूरे भारत में हुआ है, पूरे भारत में, है ना, ये सिर्फ घाटकोपर में नहीं पूरे भारत में हुआ है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने 10 कोढ़ी को चंगा किया, 10 को प्यार किया, 10 के साथ भलाई की, 10 के ऊपर अनुग्रह किया, लेकिन 9 लोग यीशु को मिलना, यीशु को देखना, यीशु का शुक्रिया अदा करना पसंद नहीं किया, 9 लोग चले गए। इस लॉकडाउन के दरमियान हर एक कलीसिया में जितने भी लोग, जब ऐसे कलीसिया होती थी जितने लोग आते थे, है ना, हर पास्टर के साथ ऐसा हुआ, 90% लोग गायब। क्यों? क्योंकि हमारे अलावा हमने ऐसे कई पास्टर्स लोगों का लाइव देखते थे जिनके यहां 1000 लोग है, 500 लोग है, लेकिन 50 लोग, 100 लोग। ये बहुत दुखद बात जो है लॉकडाउन में घटी है। अगर इस लॉकडाउन में पूछा जाए किसने खाना नहीं खाया, तो सबने रोज खाया और 3 टाइम खाया। क्यों? भूख लगती थी। इस 9 महीना लॉकडाउन के दरमियान किसको प्रभु का कौन भूख था, जिन जो प्रभु के भूखे थे, वचनों के भूखे थे, कुछ, है ना, सीखना है, बढ़ना है लॉकडाउन में भी, तो वे लोग लाइव पर आकर देखते थे। एक बात बोलना चाहता हूं, देखो जिनको खाना रहता है ना, सच्चाई कह रहा हूं, जिनको खाना रहता है ना वो बहाना नहीं करते, वो कुछ भी करके खा लेंगे, मंगा के खा लेते हैं, पका के खा लेते हैं, रेडीमेड लेके खा लेते हैं। जिनको खाना है ना वो कैसे भी करके खा लेते हैं। कई लोगों को हाथ नहीं है, वो बेचारा ऐसा करके ऐसे खाते हैं। मैं आपको कुछ चीज सिखा रहा हूं मेरे प्यारों, हो सकता है ये चीज हम आपको बार बार ना सिखा पाए, आने वाले दिन और बुरे होंगे और महामारियां आप सुनोगे, तो क्या करोगे? ये पहले झटके में अगर हम अटके तो इसके बाद और जो झटके आएंगे इस देश में, दुनिया में होगा, तब हमारा प्रभु के साथ क्या रह जाएगा? फिर जो दुख तुम्हारे लिए था वो मेरे लिए भी था, है ना। हम भी चाहते तो क्यों हम लाइव पर प्रार्थना हम चलाते, हम घर में बैठ के हम लोग प्रार्थना करते थे, प्रभु खुश था, बस हो गया। लेकिन हम ये सोचते थे, लिखा है जो भेड़े तुम्हारी देखरेख में दी गई है उनको संभालो। पूरा लॉकडाउन के दरमियान हम आपके लिए दुआएं करते थे, वचनों को तैयार करते थे। ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ, ताली तो उन्हें बजाना चाहिए जो लाइव पर रहते थे,
मैं बहुत दिल से आज मैं दिल दिल की बात बोल रहा हूं, ये दुख मुझे ही नहीं पूरे भारत के सारे पास्टरों को हुआ है। इस लॉकडाउन में परखा गया सबको कि किसको कलीसिया की जरूरत है, किसको वचन की जरूरत है, किसको पास्टर की जरूरत है। और 9 महीने के दरमियान उंगली पे गिन सकता हूं जिन्होंने सिर्फ मुझे फोन किया ये पूछा पास्टर आप कैसे हो। 99% लोगों ने मुझे फोन ही नहीं किया, पास्टर जिंदा है कि मर गया मालूम नहीं, क्योंकि बहुत सारे पास्टर्स लोग लॉकडाउन के दरमियान मर गए। हेलो, पर हमने हमारा काम किया। जैसे प्रार्थना पहले चलाते थे, लॉकडाउन के दरमियान भी हम लाइव पर हर संडे प्रार्थना, उल्टा ज्यादा प्रार्थना चलाया है, ज्यादा प्रार्थना चलाया है ना। कई प्रभु के सेवकों को भी बुलाते थे, तो कोई ये नहीं बोल सकता है कि पास्टर लाइव पर आप कहां थे। और कई लोग तो लाइव पर देख के हाँ पास्टर जिंदा है जिंदा है जिंदा है पास्टर जिंदा है। हेलो, इस लॉकडाउन के दरमियान देखा गया हर कलीसिया में कि किस कलीसिया के लोगों को प्रभु की जरूरत है, किसको पास्टर की जरूरत है, किसको वचनों की जरूरत है। और जिन्होंने पूरा लॉकडाउन ऐसे खाके सो के घूम के ये अपना पर्सनल काम करके गला दिया, उन्होंने ये साबित किया प्रभु मुझे आपकी भी नहीं और आपके दास की भी नहीं और आपके वचनों की भी और आपकी कलीसिया की मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो मतलबी स्वार्थी हूं और मैंने मेरा मतलब दिखा दिया। इससे ज्यादा हम क्या कहें। क्या इस लॉकडाउन के दरमियान प्रभु के लोगों हम नहाए नहीं नहाए, क्या हम खाए नहीं खाए, क्या हम सोए नहीं सोए, सब कुछ तो चल रहा था। क्या लॉकडाउन के दरमियान लोगों ने अपने फोन का इस्तेमाल नहीं किया? किया। मैं आपको दिल से कह रहा हूं, एक आत्मिक पिता होने के नाते मैं सच्चाई जो है ये आपसे ही नहीं लेकिन पूरे भारत की कलीसिया से मैं कहना चाहूंगा कि प्रभु का, उसके दासों का और वो जो वचन सिखाते हैं हमेशा उसका आदर करो। प्रभु के दास लोग इतने फालतू नहीं हैं, वो बेचारे इतना प्रार्थना करके उपवास करके रात दिन स्टडी करके लोगों को घर बैठे कितना आसान था, सिर्फ उठो मोबाइल चालू करो बैठ जाओ। इतना भी लोगों को वचन की नहीं पड़ी थी और ये बहुत दुखद बात है मेरे प्यारो, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे लेकिन यही सच्चाई है जो हम आपसे कह रहे हैं। बाजू वालों को बोलो ये गलती दोबारा मैं नहीं दोहराऊंगा, बोलो 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 इसको, ये गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अभी कोरोना का भी डबल खतरनाक आ रहा है, बाइबल में लिखा महामारियां आएंगी और इन महामारियों में प्रभु के लोगों आप आपस में संगति करना, प्रार्थना में जुड़े रहना, एक दूसरे की फिक्र करना, यह हमारे जीवन में होना चाहिए। क्या लेकर आए क्या लेके जाएंगे, उसी के पास से आए उसी के पास चले जाएंगे। हालेलुया। तो आगे से मुझे आपको बोलना ना पड़े और नया साल से प्रार्थना जो भी है चालू होगी वो सब कुछ हम आपको बताएंगे क्या कैसे, लेकिन तब तक आप लाइव पर बने रहे, लाइव पर जुड़े रहे। अगर आपको प्रभु की जरूरत है, कलीसिया की जरूरत है, पास्टर की जरूरत है और वचन की आपको जरूरत है, तो मैं इतना ही समझता हूं कि आपको दोबारा बोलना समझाना ना पड़ेगा। आप समझदार है और समझदार को इशारा काफी होता है। हालेलुया हालेलुया। और कुछ चीजें कहना चाहूंगा, लूका 7 का 11 से 17 ध्यान से सुनिए, ये ऐसे वचन है आपने सुना है लेकिन प्रभु ने कुछ मुझसे अलग बात की है जो मैं आपको बोलना चाहता हूं। बोल सकते हैं ना, सब लोग नहीं बोल रहे लेकिन मैं बोलूंगा। बाजू वाले को बोलो पास्टर बोलेंगे ही बोलेंगे, तुम बोलो या मत बोलो, अभी इधर आए हैं तो बोल के ही जाएंगे ना। हालेलुया। तो लूका 7 का 11 से 17 में आपको पता है एक विधवा थी जिसका बेटा मर गया था और वो लोग मरी हुई देह को
डेड बॉडी को लेके जा रहे थे। हालेलुया। आज मैं आपको सब सच्चाई कहूंगा आज, और जो मैं कह रहा हूं ये आपके लिए बोल के नहीं, मेरे लिए भी है, मेरे बीवी बच्चों के लिए भी है, आपके लिए और पूरे भारत के सारे विश्वासी भाई बहन के लिए, सबके लिए। वचन प्रभु का किसके लिए, एक रब किसके लिए है, तो प्रभु का वचन किसके लिए है, बोलो सबके लिए। आज बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में मुर्दे को लिए हुए आगे बढ़ रहे, जिंदगी में मुर्दे को लिए हुए, मतलब मरी हुई बातें, ऐसी बातें जो प्रभु को पसंद नहीं है, ऐसी बातें जिसमें खुदा की महिमा नहीं है, ऐसी बातें जो वचन के अनुसार नहीं है, लोग अपने जीवन में लिए हुए आगे बढ़ रहे। यहां पर लोग मुर्दे को लेकर आगे बढ़ रहे थे। हेलो, बहुत सारे लोग हैं जिनको उनके जीवन में वो झूठ को लेकर, वो ढोंगीपना को लेकर, लालच को लेकर, घमंड को लेकर, आशमा को लेकर, नफरत को लेकर लिए जा रहे हैं जिंदगी में मरी हुई बातें, मरी हुई चीजें लेकर वो जिंदगी जी रहे हैं जो अच्छा नहीं है। और आज परमेश्वर उस मरी हुई बातों को, मरी हुई चीजों को अच्छी चीजों में, जिंदगी की बातों में बदलने वाला है। सब लोग आमीन नहीं बोल रहे? हाँ, सुन रहे ना कि सो रहे? सब लोग सुन रहे, बोलो हालेलुया। अभी भी सबने नहीं बोला? नाम है अब्दुल मेरा, सबकी खबर रखता हूं, आंखें मेरी दो ही हैं पर सब पे नजर रखता हूं। आप ये ना सोचे कि आप मुझे ही देख रहे, तुम्हारा बाप हूं। हेलो आत्मिक बच्चे लोगों, इतने सालों से तुम्हारे साथ रहा हूं। सच्चा चरवा वो है जिसकी आंखों से हर भेड़ निकलती है। हालेलुया। तो हम आपको सबको जानते हैं और आपको प्यार करते हैं, और एक अच्छा बाप हमेशा बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तु, अच्छी वस्तु, अच्छा वचन, सही वचन सिखाता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमारे जीवन में आज ऐसा हो गया है, बहुत सारे लोग, सब लोग नहीं लेकिन बहुत सारे लोग, मरी हुई बातें, मरी हुई चीजें जिनसे खुदा खुश नहीं है, जिसमें प्रभु की महिमा नहीं है, जिसमें प्रभु की उपस्थिति नहीं है, जो वचन के अनुसार नहीं है, ऐसी बातों को, ऐसी चीजों को अपने जीवन में लेके चल रहे। लेकिन हमें तो, हम तो जीवन के परमेश्वर के पास आए हैं, तो हमें तो जीवन की बातें, आनंद की बातें, शांति की बातें, भली बातें, प्रेम की बातें, भलाई की बातें, अच्छी बातें हमारे मन में, दिल में, हमारे जीवन में लेकर हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। अगर अच्छाई को लेकर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हम अच्छी फसल काटेंगे, बुराई को लेकर अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो बुराई को काटेंगे। हालेलुया। तो मरी हुई बातें, बाल्मीकि ने कहा है एक मरी हुई मक्खी के कारण पूरा तेल बास मारता है। कभी कभी कुछ लोगों के जीवन में ना ऐसी एक आदत होती है, ऐसा स्वभाव होता है, चाहे गुप्त पाप हो सकता है, गुप्त बात हो सकती है, जिसके कारण उनका पूरा जीवन में प्रभु की महिमा नजर ही नहीं आती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाल्मीकि है कि एक मक्खी, मरी हुई मक्खी के कारण पूरा दे पूरा तेल है ना बास मारता है। पता लगाओ वो कौन सी मक्खी है। हालेलुया। वो कौन सी मक्खी है जो हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को होने से, उसके अभिषेक को मेरे जीवन में बहने से रोक रही है, वो मक्खी कौन है? वो कौन सा पाप है, वो कौन सी बात है, कौन सी चीज है जिसने मेरे जीवन की खुशबू को निकाला है, मेरे अभिषेक को गला दिया है, मेरे अंदर प्रभु की वो सच्ची शांति नहीं है, छिन गई है? उस मक्खी का पता लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखिएगा, व्यभिचार, पाप, आशमा, घमंड, जलन,
ये मरी हुई बातें हैं मेरे प्यारों, इनको लेकर हमने जीवन में आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन जीवन की बातें उसको लेकर आगे बढ़ना है। और जल्दी से थोड़ा सा बोल के हम खत्म करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक सुनते रहिएगा, उत्पत्ति की पुस्तक 25 का 27 से 53। दो भाई थे, याकूब और एसाव, दोनों लालची थे। आपको पता है अक्सर आपने सुना याकूब लालची था, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोनों भाई लालची थे। याकूब भी लालची था, एसाव भी लालची था, पर जो एसाव था वो दाल का, शारीरिक बातों का, शारीरिक चीजों का लालची था। याकूब जो है अधिकार का, आत्मिक बातों का लालची था। अगर हम प्रभु के दर्शन के लालची हैं, उसके अभिषेक के लालची हैं, उसके सामर्थ्य के लालची हैं, उसके वरदानों के लालची हैं, तो ये लालच अच्छा है। लेकिन हमारा लालच संसार की चीजों के लिए है तो वो लालच अच्छा नहीं है। हालेलुया। तो जो एसाव है वो हमेशा जंगल में रहता था और जो याकूब है वो हमेशा तंबू में रहता था। आज अपने आप से, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अपने आप से सिर्फ सवाल पूछो कि हम जंगल वाली जिंदगी जी रहे हैं या तंबू वाली। क्या आज हमारा जीवन ऐसा है रोज विदाउट फेल हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम तंबू में रहना सीखे हैं क्या? आज दुखद बात है कि प्रभु के लोगों ने तंबू में रहना नहीं सीखा। कई बार हमें जंगल अच्छा लगता है क्योंकि वहां पे वो चीजें दिखती मिलती है जो हमें पसंद है। पर तंबू में क्या दिखता है? कुछ नहीं। आपको पता है तंबू में आप एक तंबू डाल के बैठ जाओ, आपको कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन तंबू में बैठोगे तो वो दिखता है। तंबू में बैठोगे तो उसकी महिमा दिखती है, तंबू में बैठोगे तो उसका आनंद दिखेगा, शांति दिखेगी, उसका अभिषेक दिखेगा। अगर तंबू में बैठोगे तो एक डायलॉग मारोगे, सब लोग जो जंगल में भटकता है वो भटक के ही मर जाता है। ये एक सच्चाई है। एसाव को एक आदत थी, उसको जंगल बहुत पसंद था, लेकिन याकूब तंबू में रहता था। जिन लोगों ने तंबू में रहना सीखा है उन्हीं को अधिकार, उन्हीं को अभिषेक, उन्हीं को दर्शन, उन्हीं को ज्ञान प्रकाशन की बातें प्राप्त होती है। हेलो। इसलिए अपने आप को ऐसा व्यक्ति बनाओ तंबू में रहने वाला। कितना भी आप बिजी हो, कितने भी व्यस्त रहो जीवन में, लेकिन जिंदगी तंबू की जीना सीखो। हालेलुया। जब हम 8 घंटा 10 घंटा काम करते थे, टेम्पो चलाते थे, इतने सारे लोग जो कलीसिया में परमेश्वर ने दिए हैं, फिर भी मजाल है किसी दिन मेरी जिंदगी में ऐसा हो कि मैंने प्रार्थना नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ा और मैंने नाश्ता कर लिया। कभी नहीं होने देता हूं। क्यों? तंबू की जिंदगी जीना पसंद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, हमारे जीवन में जो है, हमने याकूब के जैसा तंबू की जिंदगी जीना सीखो। और याकूब ही इज़राइल बना है, एसाव नहीं। भले उसे गलती हुई, लेकिन खुदा ने उसका नाम भी बदला और उसका चाल भी बदला। तंबू में जो लोग रहते हैं ऐसा नहीं कि वो गलतियां नहीं करते, उनसे गलती होती नहीं, होती है, लेकिन परमेश्वर उनकी चाल बदल देता है, उनकी जिंदगी के हाल भी बदल देता है। ऐसा नहीं है कि हमने हमारी जिंदगी में गलतियां नहीं की, हम दूध के दूल्हे, हमसे भी हुई है, लेकिन हमने एक चीज देखा, तंबू में रहने से चाल भी बदल जाती है और हाल भी बदल जाता है। सही है, सही है। हाँ, तो तंबू में रहोगे ऐसा नहीं गलती नहीं होगी, होगी, लेकिन आपकी चाल और हाल दोनों बदल जाएगा, जिंदगी बेमिसाल हो जाएगी आपकी। तो शारीरिक जीवन, पौलुस कहता है संसार में रहो लेकिन संसार के जैसे मत जियो। हम लोग आत्मिक लोग हैं,
हमको चुना गया है, पसंद किया गया, हमको बुलाया गया, अभिषेक किया गया है, हम वरदान, हम अधिकार प्राप्त, सामर्थ प्राप्त लोग हैं, हम लोग बुलाहट के लोग हैं, हम लोग के जीवन में एक बुलाहट है, हम लोग अलग लोग हैं मेरे प्यारों, हम संसार में रहते लेकिन हमको संसार के जैसे नहीं जीना है, हमारा सब कुछ अलग होना चाहिए, हमारा सोच, हमारा बोल, हमारा काम, हमारा आदत, हमारा लाइफ स्टाइल सबसे अलग होना चाहिए। किसी की शादी में सज के तो सब जाते, लेकिन दुल्हन का कपड़ा सारे लोगों के कपड़े से अलग होता है। बच्चा बच्चा भी देख के बोलता, मम्मी वही है ना दुल्हन, कैसे मालूम पड़ा बच्चे को, पूछ रहा हूँ, इधर स्टिकर तो नहीं लिखा रहता ना, दुल्हन, दूल्हे के सिर पे दूल्हा, हेलो। तो हमको ऐसे रहना है, हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा रहना चाहिए कि लोग देख के कहें, हाँ ये धर्मी जन है, ही इज ए मैन ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का दास है, ये प्रभु की दासी है। चलो और एक चीज बोल के हम खत्म करते हैं। प्रेरितों की पुस्तक सुनते रहिएगा, प्रेरितों की पुस्तक 20 का, प्रेरितों की पुस्तक 20 का 7 से 12 घर पे पढ़ लेना, वहां पे लिखा है पौलुस बहुत 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 रात को देर तक, है ना, काफी समय तक वचन प्रचार कर रहा था, वचन सिखा रहा था, वचन की बातें कर रहा था, और एक जवान, ध्यान से सुनिए जवान लोग, किधर है, हाँ, अरे आपको डरो मत यार, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सुनो ये वचन सबके लिए है, विशेष करके जवान लोग सुनो, हालेलुया। वो जो जवान था ना, उसने देखा जब पौलुस प्रचार कर रहा है, वचन सिखा रहा है, तो पता है वो भाई साहब कहां बैठा, खिड़की पे, बाजू लोग बोलो कहां बैठा, खिड़की पे, अरे आप लोग अच्छे हैं, बार बार बोल रहा हूं एक घंटे से, आप लोग अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, सही जगह बैठे हैं, थोड़ा मुस्कुराओ ना, तारीफ करो तो भी लोग, दिल से बोल रहा हूं, आप लोग अच्छे हैं, सही जगह बैठे हैं। ये भाई साहब कहां बैठा है मालूम है, खिड़की पे। आपको ये आखिरी वचन है, सुन के हम खत्म करें जल्दी से। ऐसे भी विश्वासी, ध्यान से सुनिए, ऐसे भी विश्वासी, वहां दो प्रकार के विश्वासी थे, एक ऐसा विश्वासी वो जवान के जैसा जो खिड़की पे बैठा था, और बाकी के सब लोग हैं ना आपके जैसे, मैंने कहा बाकी के सब लोग आपके जैसे, ईमानदारी से ऐसे बैठकर वचन को ध्यान से सुन रहे थे। पर ऐसे भी कुछ विश्वासी होते हैं, आप नहीं हो उसमें के, ये कहां बैठा है, खिड़की पे, क्यों मालूम है, ये डबल माइंडेड आदमी था, ये दोनों का मजा लूट रहा है, खिड़की पे बैठने से क्या होता मालूम है, बाहर का भी देख सकते और अंदर का भी, इसलिए लोग खिड़की पे, कुछ लोगों का जो आत्मिक जीवन है ना खिड़की वाला है, वो बाहर का भी नजारा देखते रहते, दुनियादारी भी करते रहते और आत्मिक में भी घुसे पड़े रहते। हेलो, खिड़की का जिंदगी और खिचड़ी का जिंदगी बहुत बेकार होती है, ये मुंह के बल गिर गया। जो खिड़की पे बैठते हैं ना, उनको वर्ल्ड भी चाहिए और उनको वर्ड भी चाहिए, उनको वचन भी चाहिए और उनको दुनियादारी भी चाहिए। फैसला आपके और मेरे हाथ में है, आपको कहां बैठना है, कौन सी जिंदगी जीना है, तंबू वाली, जंगल वाली, खिड़की की जिंदगी, खिचड़ी की जिंदगी, या फिर ऐसी आप जैसे बैठे हो ऐसी सीधी सादी अच्छी जिंदगी। हाँ, आज बहुत सारे विश्वासी लोग, मैं सच्चाई कह रहा हूं, खिड़की की जिंदगी जी रहे, वो बाहर का भी मजा लूट रहे, दुनियादारी भी कर रहे और वो आत्मिक में भी घुसे पड़े हैं, ना घर के ना घाट के, ये सच्चाई कह रहा हूं।
बाइल कहती है फैसला कर ले, तुझे वो सही लगता है तो उसमें चला जा, और तुझे ये सही लगता है तो इस तरफ आ जा। हेलो, परमेश्वर का दास कहता है बाइल में उसके लोगों से, फैसला कर लो, अगर यहोवा ठीक है, उसकी बातें सही है तो उसकी तरफ आ जाओ, अगर यहोवा के अलावा तुम्हें कुछ और ठीक सही लगता है तो उसमें चले जाओ। फैसला कर लो, घर के अंदर रहोगे या खिड़की पर बैठोगे। जो लोग खिड़की पर बैठते हैं मुंह के बल गिरते हैं, मुंह के बल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कहती है। हेलो, मुंह के बल गिर गया, आगे आप घर में जाके पढ़ लेना। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग वर्ड और वर्ल्ड दोनों में मिक्सअप है। हालेलुया। पुराने करार में वो लोग ने अच्छा अच्छा हरा सब्जी भी लाके मिला दिया, हरियाली, और जंगली जंगली जो था वो भी लाके मिला दिया, और थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा, कहते हैं हंडे में मौत है। क्यों? खिचड़ी की जिंदगी। बहुत सारे लोग जीवन में, मैं आपको सच कहता हूं, वो अच्छी चीजें भी देखते, गंदी चीजें भी देखते, सच भी बोलते, कभी कभी झूठ भी बोलते, कभी कभी ईमानदारी भी करेंगे, फिर कभी कभी बेईमानी भी करेंगे। हेलो, हमने दुगला चाली का जिंदगी नहीं जीना है, हम परमेश्वर के लोग हैं, ईमानदारी का, सच्चाई का जिंदगी जीना है। हालेलुया। या तो झूठ बोलो अभी, या तो सच बोलो, या तो पवित्र जीवन जियो, या तो वर्ल्ड में रहो और या तो वर्ल्ड में रहो, चुनाव आपके हाथ में है। हालेलुया।